आपकी दो सवाल हैं विकास के। विकास, एनएमडीसी में आपकी बाइंग प्राइस क्या है? एनएमडीसी स्टील मैडम, मेरे को एनएमडीसी लिमिटेड का मैं शेयर होल्डर हूँ। हाँ। तो उन्होंने फ्री में दिया था 1:1। अच्छा, और एनएमडीसी स्टील फ्री में आया था। एंड कर्नाटका बैंक है मेरे पास 48.70 रुपीज। चलिए ठीक है, कर्नाटका बैंक बताइएगा विवेक। देखिए कर्नाटका बैंक आज बढ़ रहा है कि एक ब्रांच खोला है अयोध्या में, वो बहुत छोटा मोटा कारण है। कल आपको न्यूज आएगी कि ज्यादातर सारे बैंक्स के ब्रांचेस उधर खुल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज हब होने वाला आगे चल के। जैसे तिरुपति है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि अयोध्या अब हर हिंदू का आस्था है उसमें, और पक्का मैं भी जाऊंगा, मेरे हिसाब से ज्यादातर तो लोग जाएंगे, तो वहां पे एक डेवलपमेंट तो है। तो लेकिन कर्नाटका बैंक ओवरऑल देखिए, मुझे लगता है कि इन दामों में थोड़ा सा स्मॉल कैप बैंक होने के कारण कॉस्टली लग रहा है। आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे, और आप अगर कंपेयर करो तो जो बड़े बैंक है, दिग्गज बैंक है आज के दिन, वो इस बैंक से सस्ते लग रहे हैं, तो आपको वैसे देखना चाहिए। ठीक है, कर्नाटका बैंक में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह। इन्होंने एक ब्रांच खोली है अपनी अयोध्या में, 915वीं ब्रांच, कल उसका उद्घाटन किया, और कह सकते हैं कि भगवान की कृपा तो इस बैंक पर भी आ रही है। 2 दिन में 12% ये शेयर चला है कर्नाटका बैंक का, और वैसे भी ठीक ठाक परफॉर्मर रहा है। पिछले साल भर की आप जर्नी देखेंगे तो एक साल में करीब 75-80% के आसपास के रिटर्न कर्नाटका बैंक ने दिए हैं। बैंक सॉलिड है, इसमें कोई दो राय नहीं है।